किस प्रकार से गाड़ियां अपने अपने हिसाब से किसी भी दिशा में चले जा रही है। सुपेला, चंद्रमौरिया और कुम्हारी, ये तीन चौक ऐसे हैं जिसमें ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। लगभग एक महीने के अंदर तीनों चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। यहाँ पर लगभग चार पोल लगाए गए हैं सुपेला के चौक पर। एक पोल तो ये है जो भी आपने देखा, दूसरा पोल उधर लगा हुआ है घड़ी चौक के पास। मैं इस वक्त सुपेला चौक पर मौजूद हूँ और इस चौक पर आप लगातार देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़, किस प्रकार का रश और किस प्रकार का ट्रैफिक जाम आप लगातार विजुअल में देख रहे हैं। इस ट्रैफिक जाम को लेकर ही आज की एक खबर है। आप देखिए किस प्रकार से गाड़ियां अपने अपने हिसाब से किसी भी दिशा में चले जा रही है, जिससे यहां पर किसी प्रकार का कोई बड़ी दुर्घटना जो है हो सकती है। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। यहां आने की वजह जो है आप समझ गए होंगे कि यहां पर ट्रैफिक जाम कितना ज़्यादा लग रहा है। कुछ महीनों पहले यहां का सुपेला ओवरब्रिज जो है वो शुरू कर दिया गया था, उसके बाद ये संभावनाएँ थी कि अब जो है ट्रैफिक जाम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसके बाद जो है सुपेला चौक पर ही अंडर ब्रिज भी बनाया गया, जिसको लेकर ये उसके बाद भी ये संभावना जताई गई कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी, जाम नहीं लगेगा। मगर ये दोनों ब्रिज बनने के बावजूद सुपेला चौक पर भयानक तरह के जाम हम देख रहे हैं। लाइव भी आप देख चुके हैं और विजुअल में भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस जाम से बचने के लिए ही सुपेला चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का तय किया गया है। आप लगातार विजुअल में देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वो तमाम खंभे आप लगातार देख रहे हैं और साथ ही इस प्रकार के जो जाम हैं ये मोरटगी चौक और कुम्हारी चौक पर भी देखे गए हैं। तो ये तीनों चौक पर, मोरटगी चौक और सुपेला चौक और कुम्हारी चौक, वहाँ पर जाम को देखते हुए वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का तय कर दिया गया है और सबसे पहले सुपेला चौक पर लगाया जा रहा है और आज ही से ही तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। और मैं जिस दुर्घटना की बात कर रहा था, जिस प्रकार की अव्यवस्थाओं की बात कर रहा था, वो आप लगातार विजुअल में देख ही रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के नियम लगातार वाहन चालकों को ये निर्देश देते रहते हैं कि गाड़ियां अपने वाहन को नियमों के हिसाब से ही चलाए, किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार से ना मोड़ दे। उसके बावजूद भी यहां पर लोग अपने अपने हिसाब से गाड़ियों को चला रहे हैं और अपने हिसाब से किसी भी दिशा में मोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने के चांसेस कई ज़्यादा हैं। इसी को देखते हुए ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर जी ने यहाँ पर इस चौक पर सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कर दिया जाएगा और बाकी जो दो और चौक है वहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। लगभग एक महीने के अंदर तीनों चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा और ये संभावना फिर से जताई जाएगी कि यहाँ पर उस प्रकार का जाम नहीं लगेगा। इस प्रकार का जाम अभी लगातार आप विजुअल में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो ऑटो चालक है और जो तमाम रिक्शा चालक है उनका ये कहना है कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा होता है और ख़ासकर जिस दिन रविवार होता है उस दिन यहाँ का भीड़, यहाँ का रश कई ज़्यादा होता है, जिसका मुकाबला कोई भी चौक नहीं कर सकता। तो इस भीड़ वाली स्थिति से बचने के लिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अब इस चौक पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाएगा। और आप सभी से ये हमारा अपील है कि ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद यहाँ के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार से जो दुर्घटना होती है उस दुर्घटना से बचे रहे। KP न्यूज़ को देखते रहिए और अभी हम यहाँ के DSP सतीश ठाकुर से बातचीत करेंगे और इस विषय को और विस्तार समझेंगे। आइए चलते हैं। सुपेला, चंद्रमौरिया और कुम्हारी, ये तीन चौक ऐसे हैं जिसमें ट्रैफिक का काफ़ी दबाव रहता है, क्योंकि सुपेला चौक में आकाशगंगा का मार्केट है और सुपेला का मार्केट है। उसी प्रकार कुम्हारी में भी काफ़ी गाड़ियां गुजरती है, हैवी व्हीकल्स गुजरता है, नीचे से काफ़ी मार्केट वाला क्षेत्र है। चंद्रमौरिया में भी काफ़ी दबाव रहता है ट्रैफिक का। तो इन तीनों स्थानों पर चिन्हांकित किया गया है जहाँ पर ट्रैफिक का सिग्नल लगाया जा रहा है। अभी पहला सुपेला चौक में सिग्नल लगाया जा रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद चंद्रमौरिया में और कुम्हारी में। इन तीनों जगह में सिग्नल लगने से लोगों को एक अनुशासन भी आएगा और वहाँ पे जो गाड़ी टकराती थी, आपस में वाद विवाद होता था, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। और एक जाम की स्थिति, कभी वीकेंड के दिन जाम की स्थिति निर्मित होती थी, उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। तो आज से सिग्नल लगाने की प्रक्रिया चालू हो गई है और आने वाले तीनों चौक में ये सिग्नल लगा लिए जाएंगे।
कि तीनों चौक पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। कैमरे का भी प्रस्तावित है, अभी तो पहले चरण में सिग्नल लगाए जा रहे हैं और ये टाइमर रहेगा इसमें भी, और जो जितना ट्रैफिक का दबाव है उसके अनुरूप हम लोग टाइमिंग को सेट करेंगे और ये प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ये सभी तीनों सिग्नल चालू रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से कितना उपयोगी रहेगा ये सिग्नल तीनों जगह में? निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो ट्रैफिक का दबाव था और एक्सीडेंट की संभावना रहती थी वो कमी आएगा और लोगों में भी एक अनुशासन आएगा और जाम की स्थिति निर्मित होती थी उससे भी समस्या समाधान हो पाएगा। कितने दिनों के बीच में तीनों चौक पर? अभी तो सुपेला का चल रहा है काम, ये 4-5 दिन इसमें लगेगा, उसके बाद पूरी टीम चंद्रा मोरिया में जाएगी, उसके बाद उसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा, उसके बाद कुम्हारी में लगाया जाएगा और प्रयास ये है कि 1 महीने के अंदर तीनों चौक को कम्प्लीट कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल के जो पोल है वो लगाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर लगभग 4 पोल लगाए गए हैं सुपेले के चौक पर। एक पोल तो ये है जो भी आपने देखा, दूसरा पोल उधर लगा हुआ है घड़ी चौक के पास और तीसरा पोल उस ओर लगा हुआ है और चौथा पोल बीच में लगा हुआ है। तो एक पोल लगा हुआ है पावर हाउस से दुर्ग की ओर जाने के लिए और एक पोल लगा है दुर्ग से पावर हाउस की ओर जाने के लिए और एक पोल लगा है सेक्टर से सुपेला आने के लिए और एक पोल लगा है सुपेला से सेक्टर आने के लिए। तो सुपेला चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगने वाला है और ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद यहाँ के जो ट्रैफिक जाम है वो कम हो जाएगा और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से लोग गाड़ी चलाएंगे जिस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल में चलाते हैं। और ट्रैफिक DSP ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना होगा, इस खबर पर आगे क्या कुछ अपडेट आएगा मॉनिटर गेज का भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल कहाँ लग रहा है और कुम्हारी चौक का भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए KP News को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।